हेलो हाय नमस्ते माय नेम इज आशमा गुप्ता एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर सिक्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने रिमेनिंग ट्रेंड्स करे थे और उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्टार्ट करा था विच वाज पोटाशियम पर मैगनेट के एम प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी नहीं थी बट उसकी जो रिएक्शन थे एसिडिक मीडियम एल्कलाइन एंड न्यूट्रल मीडियम वो अच्छे से आने चाहिए स्ट्रक्चर्स अच्छे से आने चाहिए सो आज उसी कैटेगरी का हम एक नहीं हम दो कंपाउंड्स करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट अगैन बहुत सालों में फिलहाल सवाल नहीं आया है बट हम सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन केटर करेंगे इधर उधर की ज्यादा कहानियां नहीं पढ़ेंगे सो पहला कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं विच इज पोटाशियम डाइक्रोमेट सो के टू सी आर टू ओ सेवन इज दमूला ऑफ अ पोटाशियम डाइक्रोमेट यहां पर अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बेटा साइड में निकाल लेते हैं है के टू सी आर टू ओ सेवन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है एक पोटासियम पे प्लस वन तो दो पे प्लस टू एक एक्स तो टू एक्स माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो यानी टू एक्स हो जाएगा ट्वेल्व और एक्स हो जाएगा सिक्स यानी यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है प्लस सिक्स और क्रोमियम प्लस सिक्स में कैसा होता है क्रोमियम प्लस सिक्स अगेन बेटा क्रोमियम यहाँ पर अपनी हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है विच प्लस सिक्स कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है डी जीरो बट पोटाशियम डाइक्रोमेट एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है ब्राइट ऑरेंज एकदम बहुत ही सुंदर ऑरेंज होता है तो अगर वहाँ पे कलर आ रहा है तो ये हमने करा था कि यहाँ पर कलर किसकी वजह से आता है अगैन बिकॉज ऑफ एल एम सी टी लीगेंट टू मेटल चार्ज ट्रांसफर अब पोटाशियम डाइक्रोमेट को हम हमारे को यहां पर एक ही प्रिपरेशन करनी है पर ये प्रिपरेशन तीन स्टेप्स में होती है सबसे पहला स्टेप क्या होता है जो क्रोमाइट ओर होती है क्रोमाइट ओर होता है एफ ई सीआर टू ओ फोर यह हमारी कौन सी ओर है बेटा दिस इज क्रोमाइट ओर तो क्रोमाइट ओर को फ्यूज फ्यूज का मतलब वही है मेल्ट कराया रिएक्ट कराया फ्यूज कराते हैं विद सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर ये बैलेंसिंग है सेवन बाई टू सो इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर एयर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ऑक्सीजन सो ऑक्सीडाइज हो रहा है यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ऑफकोर्स सो इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर हमें क्रोमाइट ओर से बेटा क्या मिलता है सोडियम क्रोमेट मिलता है मेन प्रोडक्ट हमारे लिए यहां पर सोडियम क्रोमेट है अभी डाइक्रोमेट नहीं बना अभी क्या मिला है हमें क्रोमेट आयन मिल रहा है अब दोनों चीजें देखें जरा सी आर टू ओ सेवन टू माइनस होता है आपका डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट आयन यहां पे क्रोमियम प्लस सिक्स होता है सीआर ओ फोर टू माइनस होता है क्रोमेट आय यहाँ पे भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है प्लस सिक्स होता है दोनों में क्रोमियम का प्लस सिक्स ही होता है पर मैग्नेट मैगनेट वाली कहानी नहीं है पर मैगनेट एम एन ओ फोर माइनस मैगनीस प्लस सेवन और मैग्नेट एम एन ओ फोर टू माइनस वहां मैगनीस प्लस सिक्स होता था ठीक है बट यहां पर दोनों ही जगह में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स प्लस सिक्स ही होता है सो तो हमें सोडियम क्रोमेट मिला सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं जो सोडियम क्रोमेट मिला उसको फिल्टर करते हैं और एसिडिफाई करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो ये जो H प्लस आयन है बेटा ये हमें कहां से मिल रहा है फ्रॉम कहांसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो जो हमारा सोडियम क्रोमेट था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है इट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम डाइक्रोमेट अभी भी पोटासियम डाइक्रोमेट नहीं मिला तो हमने क्रोमाइट और को फ्यूज करा पहले सोडियम कार्बोनेट से एयर की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिला सोडियम क्रोमेट फिर सोडियम क्रोमेट को हमने एसिडिफाई करा फिल्टर करके एसिडिफाई करा तो हमें क्या मिला सोडियम डाइक्रोमेट अब सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराते हैं के के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी दोनों सॉल्ट हैं सो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और फाइनली हमें मिल जाता है हमारा प्यारा सा पोटाशियम डाइक्रोमेट जो कैसा है ऑरेंज कलर का कंपाउंड है सो तीन स्टेप में हुआ क्रोमाइट और से पहले सोडियम क्रोमेट सोडियम क्रोमेट से डाइक्रोमेट फिर सोडियम डाइक्रोमेट को के के साथ रिएक्ट कराते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है एनई मिल जाता है और क्या मिल जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तो ये ऑरेंज कलर का कैसा होता है बेटा ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन होता है ये भी शाइनी अप्योरेंस होता है डेफिनेट शेप होती है जोमेट्रिकल होता है क्रिस्टलाइन होता है डेफिनेट जोमेट्री होती है क्रिस्टलाइन होता है मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है सिक्स सेवेंटी अच्छा खासा है इसके अलावा एप्रिशिएबली सिल्यूबल है हॉट वाटर में यानी गर्म पानी में तो अच्छा खासा सल्यूबल होता है बट कोल्ड वाटर के अंदर मॉडरेटली सल्यूबल होता है यानी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है सी और डी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इन पर स्टार बनाया है तो यहां पर एल्कली के साथ यानी जब हम डाइक्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट आयन को एल्कली का मतलब है बेटा बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं एन एच के ओ एच किसी के भी साथ बेसिक मीडियम है बेसिकली एल्कलाइन है ओ एच माइनस का प्रेजेंस है तो डाइक्रोमेट आयन किस में बदल जाता है क्रोमेट आयन में बदल जाता है यानी डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज से क्रोमेट आयन यानी किस में बदल जाता है येलो कलर में चेंज हो जाता है मैं ये रिएक्शन अभी लिखूंगी सीआर टू सेवन टू माइनस ठीक है इस तरह से लिखेंगे कि कलर यहीं क्लियर हो एल्कलाइन मीडियम में ऑरेंज से सॉरी येलो से लिखना हमें ये सी आर ओ फोर टू माइनस डाइक्रोमेट आयन एल्काइन मीडियम में किस में बदलता है क्रोमेट में ऑरेंज से कौन सा कलर हो जाता है येलो एसिड के साथ उल्टा रिएक्शन होता है बेटा यानी एसिड में जब हम क्रोमेट को इसको क्रोमेट को जब हम एसिडिक के साथ या एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो क्रोमेट आयन किसमें बदल जाता है डाइक्रोमेट में यानी उल्टा हो जाएगा यानी जब एसिडिक मीडियम है तो क्रोमेट किस में बदल रहा है डाइक्रोमेट में ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है तभी बार बार बता रही हूं सो एसिडिक मीडियम के अंदर क्रोमेट आयन बदलता है डाइक्रोमेट में बेसिक मीडियम के अंदर एल्कलाइन मीडियम के अंदर डाइक्रोमेट किसमें बदलता है क्रोमेट में और इतना याद रखो डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है क्रोमेट येलो कलर का होता है तो एल्कलाइन मीडियम में ऑरेंज से कलर किस में चेंज हो जाता है येलो में एसिडिक मीडियम के अंदर येलो से किस में कलर चेंज होता है ऑरेंज में होता है तो एसिडिक मीडियम में ये कौन सा कलर दिखाएगा बेटा ऑरेंज रेड कलर क्योंकि डाइक्रोमेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेसिक मीडियम में कौन सा कलर दिखेगा आपको येलो कलर दिखेगा क्योंकि वहां पर कौन सा फॉर्म होता है क्रोमेट होता है येलो ठीक है तो ये याद रहेगा इस पर स्टार बना देते हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन सोन हीटिंग पोटाशियम जैसे हमने के एम एन ओ फोर का डीकम्पोजिशन करा था तो पोटाशियम पर मैगनेट डीकम्पोज होता था पोटाशियम मैग्नेट के अंदर के टू एम एन ओ फोर एम एन ओ टू मिलता था और ओ टू गैस निकलती थी यहाँ पे भी काइंड ऑफ सिमिलर है पोटाशियम डाइक्रोमेट टूटता है बेटा पोटासियम क्रोमेट में सी आर टू ओ थ्री और कौन सी गैस निकल जाती है ऑक्सीजन गैस तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है दोनों का डीकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है इसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑल्सो वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट अगैन अपनी हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्रोमियम प्लस सिक्स से बियॉन्ड क्या ही जाएगा ऑलरेडी लुट चुका है पूरी तरह क्योंकि क्रोमियम प्लस सिक्स में आर्गन एटीन है प्लस सिक्स से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा यानी क्या करेगा बेटा दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा खुद प्लस सिक्स से किसी भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाएगा प्लस सिक्स से प्लस थ्री प्लस सिक्स से कुछ और जिसमें भी रिड्यूस होगा पर खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो अब इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं बट हम पूरी पूरी बैलेंसिंग अब नहीं करेंगे एक की समझा दी है ग्यारहवीं याद दिला दी है ठीक है तो आप चाहो तो इसके लिए आप खुद से कर सकते हो मैं हाफ रिएक्शन करा रही हूं सो एसिडिक मीडियम में सीआर टू ओ सेवन टू माइनस खुद रिड्यूस होता है बेटा इन टू सी आर थ्री प्लस ठीक है एसिडिक मीडियम में इक्वेवेलेंट वेट ये सब कहानी अभी करेंगे क्रोमियम दो बैलेंस कर लो दो चार्ज देखो जरा यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पीछे निकाल लिया बेटा डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए जरा प्लस सिक्स था तो so, डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम प्लस सिक्स है से किस में रिड्यूस हो रहा है प्लस थ्री ये एक क्रोमियम का चेंज है यार एक क्रोमियम का एक क्रोमियम प्लस सिक्स है तो दो क्रोमियम पे बेटा प्लस ट्वेल्व का चार्ज होगा या एक क्रोमियम पे प्लस थ्री है तो दो क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा प्लस सिक्स होगा जल्दी बोलो यार है ना एक क्रोमियम पे प्लस सिक्स दो पे प्लस बारह एक पे प्लस थ्री दो पे प्लस सिक्स प्लस बारह से प्लस छ कितने का फर्क है छह का पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा है, यहां कम है यानी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स एड होंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे इतनी बात क्लियर है ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो यहाँ सात ऑक्सीजन है या एक भी नहीं है तो यहां कितना आ जाएगा बेटा सेवन एच टू सेवन टू सा फोर्टीन यहां पर कितना एच प्लस आ जाएगा फोर्टीन एच प्लस आ जाएगा ठीक है तो ये इसकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी दिस इज गोइंग टू बी रिडक्शन हाफ रिएक्शन की खुद प्लस सिक्स से प्लस थ्री में रिड्यूस हो रहा है बाकियों को क्या कर रहा होगा ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो के टू सी आर टू सेवन पोटासियम डाइक्रोमेट देखते हैं कितने आप आते हैं So, 207B, क्या करेगा बेटा इट ऑक्सीडाइज माइनस को ऑक्सीडाइज कर देता है फेरिक में वही सारी सेम सेम सी चीजें हैं ठीक है इसके अलावा सल्फाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर में इसके अलावा सल्फाइट को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड को भी किसमें बदल देता है बेटा सल्फेट के अंदर बदल देता है ठीक है यहां पर हम थायोसल्फेट का लिख लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं एस टू ओ थ्री टू माइनस यानी थायोसल्फेट आयन को सल्फेट में बदल देता है तो यहां पर जरा देखें प्लस टू से प्लस सिक्स में प्लस फोर से किस में ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर को प्लस सिक्स में कर देता है इसके अलावा टेन टू प्लस को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा टेन फोर प्लस में कर देता है टेन टू प्लस को बुलाते हैं स्टैनस और टेन फोर प्लस को बुलाते हैं स्टैनिक ठीक है आयोडाइड so, को आयोडीन में फेरस को फेरिक में सल्फाइड को सल्फर में को सल्फेट में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में स्टैनस को में। चलिए कैलकुलेट करके बताएं इक्विवेलेंट वेट ऑफ के टू आर टू ओ सेवन एसिडिक मीडियम में कितना आएगा अब तो आप लोगों को यार मैंने सिखा दिया है तुम काफी स्मार्ट हो चुके हो फटाफट से बताओ कितना आएगा एस्थेटिक मीडियम में

फिफ्टी टू होता है तो फिफ्टी टू इंटू टू कर लेना यहीं कर देती हूँ थर्टी नाइन इंटू टू फिफ्टी टू इंटू टू प्लस ऑक्सीजन का सिक्सटीन इंटू सेवन टोटल कर लेना यहाँ आएगा टू नाइन्टी फोर सो टू नाइंटी फोर डिवाइडेड बाय सिक्स सिक्स फाइव थर्टी सिक्स फोर ज ट्वेंटी फोर बचा Six nines are 54. 49 आ जाएगा इसका वेट इन एसिडिक मीडियम ठीक है सो आई होप तक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी एफ तक इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें मेनली इसके रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही करने हैं और यहाँ पर सवाल यहीं से आता है कि अल्कोलाइन मीडियम में डाइक्रोमेट का कलर किसमें डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में तो ये ऑरेंज uh, कलर का ही रहता है क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में बदलता है बट एल्कलाइन मीडियम में डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज हो जाता है और एसिडिक सॉरी एल्कलाइन मीडियम में येलो कलर का होता है क्योंकि डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदलता है तो याद रखना एल्कलाइन मीडियम में येलो कलर मिलता है क्रोमेट का एसिडिक मीडियम में ऑरेंज कलर मिलता है ऑरेंज रेड डाइक्रोमेट का इसके अलावा इक्वे वेट याद रखना सवाल आ जाता है फैक्टर छ है आयोडाइड आयोडीन ये वाली सारे कर लें एक और ऐड कर लो वरना वो बुरा मान जाएगा की जगह बेटा सल्फाइट वाला भी ही लो कि सल्फाइट को भी किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट में चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अगर कभी लगे स्कूल वालों को तुम स्कूल जाओ तो प्लीज अपने टीचर्स को बोलना कि ये टेस्ट एक बार परफॉर्म करके दिखा दे वरना आप लोग काफ़ी एडवांस हो यूट्यूब पे बस सर्च कर लेना क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट तो इसकी पूरी वीडियो आ जाएगी कि लैब के अंदर कैसे परफॉर्म होता है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें हम क्या करते हैं किसी आ, मेटल क्लोराइड बेसिकली ये टेस्ट होता है क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करने का ठीक है क्लोराइड आयन सी एल माइनस को डिटेक्ट करने का इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई मेटल क्लोराइड जैसे कि NaCl ले लो तो जब हम किसी मेटल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं विद के टू सी आर टू सेवन डाइक्रोमेट तभी तो हम बोल रहे हैं कि पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज हो रहा है एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर तो रिएक्शन लिखते हैं रिएक्शन से समझेंगे क्या हो रहा है ये वाला जो हमने क्या कहा जब किसी मेटल क्लोराइड तो मैं यहाँ पे मेटल क्लोराइड बेटा एनएसीएल ले रही हूँ तो हम बेसिकली क्या करते हैं टेस्ट है उसमें या टेस्ट ट्यूब क्या आपको एक सॉल्ट दे देते हैं ऐसी पर्ची सी बना के पोटली सी छोटी सी कागज की और बोलते हैं कि इसमें टेस्ट करो भाई कौन से आयन है कौन सा एनआयन है कौन सा किटायन है ये ट्वेल्थ के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं किटायन एन आयन की एनालिसिस का So, uh, आपको कैसे पता लगेगा तो हमें थोड़ा बहुत प्रीलिमिनरी से आइडिया लग जाता है कि ये आयन हो सकता है तो अगर हमारे सॉल्ट के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं उस सॉल्ट को थोड़ा सा लेते हैं सॉल्ट को टेस्टियो में डालते हैं जितना आप सॉल्ट ले रहे हो उतना ही पोटासियम डाइक्रोमेट डालना है अगर मैंने बेटा पिंच भर के मेटल क्लोराइड लिया है मुझे नहीं पता उसमें भी क्लोराइड है या नहीं है मैंने थोड़ा सा या स्पैचुला के अंदर स्पैचुला एक चम्मच की तरह होता है सो so, हमने थोड़ा सा हमने कौन सा लिया आपका पोटासियम डाइक्रोमेट लिया जितना पोटासियम डाइक्रोमेट ले रहे हो उतना ही आपको अपना सॉल्ट लेना है सोल्ट यहाँ पे आपका मेटल क्लोराइड है मैं वो मेटल क्लोराइड कौन सा ले रही हूँ एन रिएक्शन लिखने के लिए आप एम भी लिख सकते हो एम सी डिपेंडिंग ऑन मेटल का बैलेंस ही क्या है तो जितना आप मेटल क्लोराइड डाल रहे हो उतनी ही अमाउंट आपको के टू सी आर टू ओ सेवन की डालनी है इक्वल अमाउंट में डालना है इसका भी उतना ही पिंच उसका भी उतना ही पिंच हमने अब टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना मेटल क्लोराइड ले लिया उसमें क्या डाल दिया बेटा पोटासियम डाइक्रोमेट डाल दिया अब ड्रॉपर से हमने क्या करा कॉन्सेंट्रेटेड क्या करा हमने बेटा ड्रॉपर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना स्टार्ट करा ये रिएक्शन बिना ग्लव्स के ना करे क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भयंकर बर्न्स कॉज करता है गलती से हाथ पे गिर गया तो हाथ ही लेके बैठे रहोगे ठीक है सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं हम तो so यहां पर एन फोर बनता है के एच फोर सब हमारे लिए रिक्वायर्ड कंपाउंड्स नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यही कंपाउंड है सीआरओ टू सी एल टू बनता है प्लस वॉटर बनता है दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज योर क्रोमाइल क्लोराइड और टेस्ट ट्यूब में से निकलती हुई दिखती है ऑरेंज रेड कलर की वेपर्स मैं मैंने YouTube खोलने की कोशिश करी थी कि मैं आपको ये रिएक्शन की वीडियो दिखा दूँ बट स्टूडियो के अंदर इंटरनेट बहुत ही स्लो आ रहा था तो YouTube लोड ही नहीं हो पाया तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब मैं ये रिएक्शन समझा दूँ आपको तो मुझको पॉज कर देना एक नई टैब खोलना और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की वीडियो ज़रूर देखना बेसिकली केमिस्ट्री हम सब बोलते हैं इमेजिन नहीं हो पा रहा इमेजिन नहीं हो पा रहा क्योंकि ये सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट बेस्ड है और एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा कि जब तक हम करते नहीं है ना हमें फील सा नहीं आता सो so इसको एक बार जब आप स्कूल में अगर आपका टीचर आपको अलाउ करें तो आप करके देख लो स्कूल के टीचर्स या फिर आप अपने टीचर्स को बोल दो स्कूल के कि आप एक बार परफॉर्म करके दिखा दो है ना अगर मुझे कभी टाइम लगा तो एक्सपेरिमेंट्स वाली वीडियो जब हम बनाते हैं आई ट्राई टू परफॉर्म क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ठीक है सो so, हमने टेस्ट ट्यूब लिया उसमें मेटल क्लोराइड था जितना मेटल क्लोराइड था उतना डाइक्रोमेट था हमने टेस्ट ट्यूब से सल्फ्यूरिक एसिड डाला अगर ऑरेंज रेड कलर की वेपर्स निकल रही हैं वो किसकी वजह से निकलेंगे बेटा क्रोमाइल क्लोराइड की वजह से तो मतलब आपका क्लोराइड आयन प्रेजेंट था तभी तो CrO2Cl2 बन रहा है अगर यहां पे Cl- नहीं होता तो कुछ और बन रहा होता क्रोमाइल क्लोराइड के अगर आपको टेस्ट ट्यूब से ऑरेंज रेड वेपर्स दिख रही हैं मतलब क्लोराइड है मेटल क्लोराइड में मतलब क्लोराइड है हमारे उस सॉल्ट के अंदर क्लोराइड है अब यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर तो ऑफ सी आर ओ टू सी एल टू यानी क्रोमाइल क्लोराइड का तो यहाँ पे हमारे पास होता है बेटा क्रोमियम डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सी एल और सी एल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए ऑक्सीजन पे माइनस टू इस पे भी माइनस टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस माइनस फाइव माइनस सिक्स यानी यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है प्लस सिक्स होता है ठीक है ये रिएक्शन का स्टेप वन है हम चाहें तो यहीं पे रिएक्शन रोक सकते हैं पर हम आगे कॉन्टिन्यू करेंगे वैसे तो यहां तक चीजें कंप्लीट हो जाती हैं बट इसी क्रोमाइल क्लोराइड को आगे जब एक्सटेंड करते हैं ना तो हम और कंपाउंड्स बना पाते हैं और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं लैब के अंदर तो हम क्या करेंगे ये जो ऑरेंज रेड वेपर्स हैं उनको आप पास करेंगे एक टेस्ट ट्यूब अब क्या करा मान लो मेरे हाथ में ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें से ऑरेंज रेड वेपर्स निकल रही है मैंने एक और टेस्ट ट्यूब ली बेटा जिसमें एन का सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो मैंने क्या करा इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट करा इसको भी टिल्ट करा इसकी ऑरेंज रेड वेपर्स एन के सोल्यूशन से क्या करी पास करना शुरू करी तो यहां पर हमने क्या करा ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड आर पास्ड इन टू टेस्ट्यूब कंटेनिंग एन ए NaOH एच सल्यूशन okay. तो जो ऑरेंज रेड वेपर्स थी ब्लू से ही लिखते हैं सारे रिएक्शन ब्लू से लिख रहे हैं तो ऑरेंज रेड वेपर्स किसकी थी बेटा क्रोमाइल क्लोराइड की इसको हमने पास करा इन ऑरेंज रेड वेपर्स को पास करा इन टू एन अदर टेस्ट ट्यूब जिसमें एन प्रेजेंट था सो so यहाँ पे रिएक्शन होता है और हमें मिलता है हमारा एन ए टू सी आर ओ फोर साथ में मिलता है एन ई सी एल साथ में मिलता है एच टू ओ सोडियम क्लोराइड का कोई कलर नहीं होता नमक है पानी में घुला होता है डिजोल्व हो जाता है एन ए टू सी आर ओ फोर क्या होता है दिस इज कॉल्ड एज सोडियम क्रोमेट ये बनाने के लिए यूज होता है और सोडियम क्लोरेट जो होता है वो कैसे कलर का होता है येलो कलर का होता है तो होता क्या है कि जब हम क्रोमाइल क्लोराइड की ऑरेंज रेड वेपर्स पास करते हैं जिस टेस्ट में NaOH था, तो धीरे धीरे क्या होता है एन एच वाला सोल्यूशन जो होता है बेटा वो येलो टर्न होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वहां पर सोडियम क्रोमेट बनना शुरू हो जाता है तो सोडियम क्रोमेट बनाने के लिए हम टेस्ट को आगे एक्सटेंड करते हैं और अभी एक और कंपाउंड बनाऊंगी मैं यहाँ से देखें फिर क्या करा जिस टेस्ट ट्यूब में ऑरेंज कलर ऑरेंज नहीं येलो कलरेशन आ गई सोडियम क्रोमेट बन गया अब हमने तीसरे स्टेप में क्या करा स्टेप थ्री टू तो दिस येलो सल्यूशन to this yellow solution L add lead acetate, lead acetate and few drops of acetic acid. ध्यान दीजिएगा लास्ट ही रिएक्शन है इसका नॉट डी टोटल तो हमने क्या करा जो येलो सोल्यूशन था उसमें क्या ऐड करा बेटा लेड एसिटेट सी एच थ्री सी ओ होल्ड पी बी क्या ऐड करा लेड एसिटेट ऐड करा तो ये जो येलो सोल्यूशन था येलो सल्यूशन किसकी वजह से बना था सोडियम क्रोमेट का तो सोडियम क्रोमेट वाले सोल्यूशन में हमने ड्रॉपर से लेड एसिटेट डाला लेट एसिटेट के साथ साथ हमने फ्यू ड्रॉप्स किसकी ऐड करी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ एच डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालते हैं तो यहां पर बनता है हमारा पी बी सी आर ओ फोर साथ में बनता है सोडियम एसिटेट ये तो पानी में सल्यूबल होता है ठीक है बैलेंस कर देते हैं तो so, यहां पर बनता है आपका लेड क्रोमेट। अब एरो डाउन एरो क्या शो करता है बेटा कि यहां पर क्या बनता है मैं पहले लिख दूरी एक्शन फिर समझाती हूं येलो पीपीटी पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट बनता है तो शुरू से समझना मैंने इस पूरे रिएक्शन में क्या चीजें करी हमने सबसे पहले अपना जो ओरिजिनल सॉल्ट था जो हमें टेस्ट करने के लिए दिया कि इसमें क्लोराइड है या नहीं है उस सॉल्ट को लिया जितना सॉल्ट लिया उतना उसमें क्या ऐड करा पोटाशियम डाइक्रोमेट और फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाली ऑरेंज रेड कलर की वेपर्स निकली किसकी क्रोमाइल क्लोराइड की अगर मेरे सॉल्ट में क्लोराइड आयन था मान लिया था और क्रोमाइल क्लोराइड की ऑरेंज रेड कलर की वेपर्स टेस्ट ट्यूब से निकली इमीडिएटली है ना फटाफट से आपको क्या करना है दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एनय का सोल्यूशन रेडी रखना है तो हमने क्या करा वो ऑरेंज रेड वेपर्स इस टेस्ट ट्यूब से इमेजिन कर लो मेरे हाथ में टेस्ट ट्यूब है ठीक है सो so इस ऑरेंज रेड वेपर्स को मैंने इस टेस्ट ट्यूब में पास करना शुरू करा तो ये वाली टेस्ट ट्यूब में जिसमें एनयूएच था वो भी कलरलेस थी क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में सोल्यूबल होता है तो जब ऑरेंज रेड वेपर्स इस वेपर सॉल्यूशन से पास करना शुरू करी तो सॉल्यूशन येलो टर्न होने लग गया क्योंकि वहां पे क्या बनने लग गया सोडियम क्रोमेट इस टेस्ट ट्यूब में इसका काम हो गया खत्म हटा दो अब इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे मान लो अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा बेटा अब लेड एसिटेट डाला थोड़ी सी ड्रॉप डाली एसिटिक आसे एसिड की तो देखा कि येलो सोल्यूशन में अब क्या बन गया नीचे की तरफ अब ऊपर कलरलेस हो गया और नीचे लेड क्रोमेट का येलो कलर का क्या बन गया प्रेसिपिटेट बन गया सो so हमने इसी रिएक्शन से पहले तो क्रोमाइल क्लोराइड बनाया एक नया कंपाउंड क्रोमाइल क्लोराइड से मैंने सोडियम क्रोमेट बनाया अनदर न्यू कंपाउंड सोडियम क्रोमेट से मैंने एक और नया कंपाउंड बना लिया बेटा लेड क्रोमेट येल्लो कलर का ब्राइट प्रेसिपिटेट ठीक है तो so ये हमारा होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं रिएक्शन विद एच टू ओ टू तो जब हम सीआर टू ओ सेवन टू माइनस का रिएक्शन कराते हैं विद एच टू ओ टू इन एसिडिक मीडियम एच टू ओ टू क्या होता है बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमें मिलता है सी आर ओ फाइव और साथ में बन जाता है एच टू ओ बाकी बैलेंसिंग है कर लेना सी आर ओ फाइव जो होता है इज ओनली स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होता तो इसको हमें स्टोर करके रखना पड़ता है या तो ईथर में या फिर इसको स्टोर करके रखना पड़ता है बेटा पिरीडीन के अंदर ठीक okay. है पिरीडीन का स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं बेंजीन रिंग में एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता है हेट्रोसाइक्लिक होता है ठीक है चलिए सो CRO5 is only stable in the presence of ether or pyridine. CRO5 का स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसे बटरफ्लाई के दो वो हो गए टाइप और ये विंग्स और विंग्स ठीक है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं दिस इज कॉल्ड एज योर अब यहां पर दो परऑक्साइड लिंकेज होती है परऑक्साइड लिंकेज होता है परऑक्साइड आयन होता है जब ऑक्सीजन पे माइनस वन होता है ये होता है परऑक्साइड. O2 पर टू माइनस इस पे भी माइनस वन और इस पे भी माइनस वन दो ऑक्सीजन पे दो माइनस एक ऑक्सीजन पे एक माइनस का ही होगा दो पे दो माइनस एक पे एक माइनस ठीक है ये परऑक्साइड लिंकेज अब मैं इसको घुमा के लिखू कैसे भी लिखू बस ये याद रखो ओ ओ के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है और फर्दर बॉन्ड बने हुए हैं वो पर ऑक्साइड लिंकेज है अब यहां पर अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो देखो बेटा पर ऑक्साइड वाली ऑक्सीजन पे माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन ये वाली ऑक्सीजन तो नॉर्मल वाली है तो इस पर कितना चार्ज होगा माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा जल्दी बोलिए भाई क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स होगा सी आर ओ फाइव को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बेटा सी आर ओ टू का होल टू ओ जल्दी बोलिए भाई ओ टू पर वाला जो था ना ओ टू पे टू माइनस का चार्ज था वो मैं नहीं दिखा रही अगर तो ओ टू पर वाला ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है अरे यार दो बार आ रहा है ये वाला O2 एक बार ये वाला O2 एक बार तो पर वाला दो बार आ रहा है और नॉर्मल ऑक्सीजन एक बार आ रहा है so, CRO5, which is your, uh, आप इसको क्रोमियम सिक्स ऑक्साइड भी बोल सकते हैं यह, यहाँ पे आपका पर और नॉर्मल ऑक्साइड है बट यहाँ पे सवाल आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट से आता है तो so, ये याद रखना है ये वाला अच्छा सा नहीं लग रहा क्योंकि वो माइनस वन कल को तुम गलत कुछ समझ लो कुछ गलत बना के आ जाओ ठीक है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना है रिएक्शन ध्यान रखनी है बैलेंसिंग खुद कर लेना बैठ कर आराम से टाइम पास करते रहना बैलेंसिंग में सो तो इसी के साथ डाइक्रोमेट के इतनी ही प्रॉपर्टीज है डाइक्रोमेट बहुत बड़ा नहीं है जो तो मेन मेन सारी चीजें करा दी हैं अब सिर्फ यूजेस की बात करते हो स्ट्रक्चर जहाँ से बहुत सवाल आता है सो डाइक्रोमेट पोटाशियम डाइक्रोमेट लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर क्रोम टैनिंग सो टैनिंग बेसिकली क्या होता है जो एनिमल हाइट्स होते हैं एनिमल स्किन जो होती है उसको हम लेदर में कन्वर्ट करते हैं तो so, जो एनिमल हाइट्स होते हैं बेसिकली क्लोइडल सोल्यूशन होता है उसको लेदर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्लोइड uh, को प्रेसिपिटेट कराना होता है और फिर हार्ड करना होता है सो लेदर इंडस्ट्री में क्रोम टैनिंग टैनिंग का मतलब होता है जब हम एनिमल हाइड को एनिमल स्किन को किसमें कन्वर्ट कर रहे होता है लेदर में कन्वर्ट कर रहे होता है तो वहां पे पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज होता है इसके अलावा पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज होता है अदर क्रोमियम कंपाउंड्स बनाने के लिए जैसे कि क्रोम एलम इसका फॉर्मूला देख लें बेटा के टू फोर डॉट सी आर टू फोर होल थ्राइस अरे यार ये डॉट समझ जाओगे ना या नीचे करके थोड़ा इधर करके लिखते हैं के टू एसओ फोर डॉट सी आर टू फोर होल थ्राइस डॉट ट्वेंटी फोर एच टू ओ ट्वेंटी फोर एच टू इज वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सो क्रोम आलम बनाने के लिए यूज होता है क्रोम येलो क्रोम येलो हमारा लेड क्रोमेट था पीबीसीआर ओ फोर हमने बनाया था यार डाइक्रोमेट से क्रोमाक्लोराइड क्रोमाक्लोराइड से सोडियम क्रोमेट बनाया येल्लो सोल्यूशन फिर सोडियम क्रोमेट में लेड एसिटेट डाला तो लेड क्रोमेट बना येलो प्रेसिपिटेट इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन यानी टाइट्रेशन में यूज होता है फेरस सॉल्ट को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडाइड्स को आयोडीन में सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है तो उनकी एस्टिमेशन के लिए भी यूज होता है इसके अलावा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है स्ट्रक्चर ये वाला समझने से पहले जो मैं समझा रही हूँ उसको समझेंगे सो so, हमारे पास है क्रोमेट आयन येलो कलर का है तो येलो से लिख रही हूं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था प्लस सिक्स और इसको लिख देते हैं ऑरेंज से Cr2O7 टू ओ सेवन टू माइनस ये हो गया अपना डाई क्रोमेट आयन यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होता है बेटा प्लस सिक्स ही था अब जरा स्ट्रक्चर देखें O4 है और दो माइनस का है ठीक है ओ माइनस ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड O अब आप समझदार हो बेटा रेजोनेंस होगा जैसे मैंने आपको बताया था एम एन माइनस में भी हो रहा था MnO4 माइनस में भी हो रहा था ये भी पीछे थोड़ा ना रहेगा जरूरी तो नहीं है ओ माइनस यही हूं। हो सकता है ओ माइनस इधर हो डबल बॉन्ड यहाँ हो हो सकता है बेटा ओ सॉरी एक सेकेंड छोड़ देते हैं अभी थैंक यू हुआ नहीं है तो रुके रहना वो अपने आप स्लाइड्स शायद मुझसे कुछ हो गया कोई बात नहीं सो अगर हम यहां पर देखें जरूरी नहीं है कि ओ माइनस यहां पर हो सकता है डबल बॉन्ड यहां हो ओ माइनस यहां हो तो रेजोनेंस तो होता ही रहेगा कि ये जो ओ माइनस ओ माइनस है बेटा वो यहां भी हो सकता है ओ माइनस ओ माइनस यहां भी हो सकता है ओ माइनस ओ माइनस यहाँ भी हो सकता है माइनस ओ माइनस यहां भी हो सकता है ओ माइनस ओ माइनस यहां भी हो सकता है बहुत सारी पॉसिबिलिटी है सो ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल तो यहां पे सारे क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड्स बराबर होते हैं और इसीलिए हम क्रोमेट आयन को इस तरह से दिखाते हैं ऑक्सीजन 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 और पूरे मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज आ जाएगा बेटा टू माइनस क्योंकि सारी जगह घूम रहा होता है ओ माइनस 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 कहीं भी हो सकता है ठीक okay. है अब जरा डाइक्रोमेट पे ध्यान दे डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर दो क्रोमियम बना लो सात ऑक्सीजन है और टू माइनस टू माइनस वाली एक एक है के, तो ये मैं बना देती हूँ इधर ठीक है, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ छह ऑक्सीजन हो गए, ओ माइनस ओ माइनस हो गया ये वाली ऑक्सीजन कैसी होती है आपकी ब्रिजिंग ये वाली ब्रिजिंग अभी इस पर बाद में आते हैं रेजोनेंस तो यहां भी होगा अब जरूरी तो नहीं है बेटा ओ माइनस यहां पर यू अगर लेफ्ट वाले में है तो ओ माइनस यहां भी हो सकता है ओ माइनस यहां भी हो सकता है ऐसे ही ओ माइनस वाली ऑक्सीजन यहां भी हो सकती है यहां भी हो सकती है जरूरी थोड़ा ना तो यहां पे भी रेजोनेंस होता है तो यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा ये वाली जो ऑक्सीजन है ये वाली कैसी ऑक्सीजन है बेटा ब्रिजिंग वाली ब्रिजिंग समझ आता है दो एटम्स के बीच में ब्रिज की तरह जुड़ी हुई है तो यहां पे रेजोनेंस क्या होगा कि रेजोनेंस थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर हो ओ माइनस इधर हो है ना एक बार हो सकता था कि ओ माइनस इधर हो डबल बॉन्ड इधर हो डबल बॉन्ड इधर हो सेम कहानी वहां पर होगी तो so यहां पर जब रेजोनेंस होगा मैं ओरिजिनली बना रही हूँ रेजोनेंस so होने की वजह से कितने क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड्स बराबर होंगे यहां पे यहां पे यहां पे रेजोनेंस हो रहा है यहां पे यहां पे यहां पे रेजोनेंस हो रहा है सो ड्यू टू रेजोनेंस सिक्स क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स सिक्स क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स बिकम इक्वल छह क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड्स बेटा यहां पर बराबर हो जाते हैं और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड बराबर ये तो ब्रिजिंग है ये वाला ये वाला और ये वाला बराबर और पूरे मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज आ जाता है टू माइनस का ब्रिजिंग वाले की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो लंबी होती है इनकी मैं माफ कर रही हूं बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन छे की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है सेम लेंथ के होते हैं रेजोनेंस की वजह से सारे बॉन्ड बराबर हो जाते हैं सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है बट जो ये ब्रिजिंग वाले हैं इनकी बॉन्ड लेंथ लंबी होती है इनके कंपैरिजन में तो इस क्रोमियम ऑक्सीजन और इस क्रोमियम के आपस में बराबर होगी बट इनके साथ बराबर नहीं होती है तो ये छह आपस में बराबर होते हैं ये दो आपस में बराबर होते हैं बट ये और ये आपस में बराबर नहीं होते हैं स्ट्रक्चर तो देख लो एक बार ये आपका क्रोमेट आयन क्रोमेट आयन कौन सा था सी आर ओ फोर टू माइनस और डाइक्रोमेट कौन सा था सी आर टू ओ सेवन टू माइनस ठीक है क्रोमेट में दिख रहा है रेजोनेंस की वजह से सारे बॉन्ड बराबर थे तो हमने यही बनाया है ऑक्सीजन 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 टू माइनस यहां पर आप देखेंगे डाइक्रोमेट में बेटा जो ये वाले बॉन्ड्स हैं यहाँ पे बॉन्ड लेन सिक्सटी थ्री पीकोमीटर ये वाला 163, 163, 163, 163, 163, 163, थ्री तो रेजोनेंस की वजह से ये तीन और ये तीन छह बॉन्ड्स बराबर हो जाते हैं जो ब्रिजिंग वाले हैं वो 179 सेवेंटी नाइन है बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है क्योंकि ब्रिजिंग वाले हैं तो वन और इसका भी वन होता है इसके अलावा सवाल क्या बन सकते हैं यहाँ पे डाइक्रोमेट के अंदर और क्रोमेट के अंदर कितने क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं सम बताओ <coughs> तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स टोटल दोनों में कितने हैं बारह यहाँ पे आठ है यहाँ पे चार है टाइक्रोमेट में आठ क्रोमियम ऑक्सीजन में से छह आपस में बराबर होते हैं ये दो आपस में बराबर होते हैं और इसी के साथ आपका खत्म होता है डाइक्रोमेट सो so, कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं पहला कह रहा है वॉट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन गिवन कंपाउंड फटाफट से ट्राई करें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है बेटा क्रोमियम का सीआरओ टू सी एल टू क्या था क्रोमाइल क्लोराइड डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड टू सी एल और सी एल यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था अरे मुझे लग रहा है बोर्ड हैंग कर रहा है मेरी गलती नहीं थी इस बार आई डिड नॉट डू एनी थिंग ये देखो प्लीज <laughs> थोड़ा सा बचा है हम लोगों का माइनस वन तो यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है प्लस सिक्स सीआरओ फाइव या CrO2 टू का ट्वाइस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर से याद रखेंगे डबल बॉन्ड ओ पारऑक्साइड लिंकेज पारोक्साइड लिंकेज पारोक्साइड वाली ऑक्सीजन पे माइनस वन होता है नॉर्मल ऑक्सीजन पे माइनस टू क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा प्लस सिक्स नेक्स्ट है बेटा अमोनियम एनएच फोर होल्ड सी आर टू ओ सेवन तो ये कंपाउंड कैसे बना होगा अमोनियम प्लस क्या हो रहा है यार लोड ही नहीं ले पा रहा यार वो <laughs> एक सेकंड इसको अपने आप थोड़ा कर लेने देते हैं उसके बाद चलाते हैं है ना तुम्हें एकदम पीपीटी का स्लाइड शो ही दिख रहा होगा यहाँ पर फिर से थैंक यू आ जाएगा अपने आप उसके बाद अगर कुछ चलना हो तो चल जाए मैजिक दिख रहा है तुमको क्लास में लाइक एकदम इससे पहले कि मेरे नोट्स गायब हो मैं एक बार फाइल सेव कर लूं क्योंकि कुछ तो गड़बड़ हो ही रही है ठीक है।, so, ठीक है थोड़ा थोड़ा इसको रेस्ट देना पड़ेगा हमें बीच में वैसे तो कभी ऐसा होता नहीं है बट पता नहीं गुड भी तो यहाँ पे हमारे पास अमोनियम आयन यहाँ पे हमारे पास डाइक्रोमेट आयन तभी बेटा क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा अमोनियम डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट आयन के अंदर तो आप निकाल ही सकते हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2x एक्स माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू माइनस टू यानी यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा प्लस सिक्स तो तीनों में ही प्लस सिक्स आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम अरेंज फॉलोइंग आयंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका उल्टा होता है रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है तो आपको उस ऑर्डर में अरेंज करना है कि कहां पर रिड्यूसिंग एजेंट पर सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा टू प्लस थ्री प्लस या डाइक्रोमेट जहां पे क्रोमियम प्लस सिक्स है भाई क्रोमियम प्लस सिक्स में तो ऑलरेडी लुटा हुआ है इससे ज्यादा और क्या लुटेगा और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट तो यही होगा क्योंकि बेटा डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है रिड्यूसिंग नहीं होता उसके बाद सी आर थ्री प्लस और सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को कौन लूज कर सकता है सी आर टू प्लस उसके पास तो अभी बहुत विंडो है टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस तक जा सकता है तो ये हमने कौन सा ऑर्डर लिख लिया ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और इंक्रीजिंग में करना था इसीलिए मैंने ये वाला साइन लगाया यानी सी फिर बी और फिर ए ये ऑर्डर हो जाएगा आपका ठीक है चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं कि क्या क्या पीवाईक्यूज़ आ रखे हैं चलो अभी अभी मैजिक नहीं चल रहा थोड़ा बोर्ड हमारा संभला हुआ है क्लिच कभी भी कहीं भी आ जाता है आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है कह रहे हो गलत तो हम बता ही देते हैं क्योंकि ये कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है नेक्स्ट बोल रहा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स तब बनते हैं जब स्मॉल आटम हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन मेटल की क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप हो जाता है ये भी सही है थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम टू माइनस आर नॉट द सेम ये गलत बात है भाई क्रोमेट के अंदर भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होता है ये सेम होता है तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसी है इन करेक्ट है यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है लास्ट बोल रहे हैं सी आर टू प्लस इज अ स्ट्रॉगर रिड्यूसिंग एजेंट देन एफ ई टू प्लस इन वॉटर यह भी सही हमने सवाल कराई था बेटा क्रोमियम टू प्लस ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है दूसरे को रिड्यूस करता है खुद थ्री प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाता है ई नॉट वैल्यू पे सवाल करा था पिछली क्लास में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अब करेक्ट बतानी है. SO2 207, solution, है कह रहे टू इज रिड्यूस्ड क्या ये बात सही है बेटा डाइक्रोमेट सी आर टू ओ सेवन टू माइनस खुद क्रोमियम थ्री प्लस में रिड्यूस होता है खुद का क्या होता है रिडक्शन और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है यहां पर ऑक्सीडेशन होता है प्लस फोर से प्लस सिक्स फिर कह रहे है, ग्रीन कलर का Cr2SO4 टू एसओ फोर होल थ्राइस बनता है ये बिल्कुल ठीक है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं ओए -ओए, आज क्या ही हो रहा है ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा क्रोमियम थ्री प्लस सल्फेट टू माइनस क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा Cr2SO4 टू फोर होल थ्राइस और ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है सल्यूशन टर्न्स ब्लू गलत द सोल्यूशन इज डी कलराइज ये भी गलत है ऑरेंज कलर का सोल्यूशन ग्रीन कलर में टर्न हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सीआर टू एसओ फोर होल्थराइज क्रोमियम थर्ड सल्फेट बन जाता है जहां पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है पहला बोल रहे के टू सीआर टू सेवन सोल्यूशन टर्न येलो ऑन इंक्रीजिंग दी एच बियॉन्ड सेवन ये बात सही है भाई एल्कलाइन में के टू सीआर टू सेवन याद करो बेटा एल्कलाइन में हमें क्रोमेट आयन मिलता था येलो हो जाता था सही है बेसिक ही तो होगा साथ के बी ऑन बेसिक हो जाएगा ऑन पासिंग एच टू एस गैस थ्रू एसिडिफाइड के टू सीआर टू सेवन अ मिल्की कलर इज ऑब्जर्व ये भी बात सही है क्योंकि जब हम H2S पास करते हैं तो H2S टू माइनस टू से किस में रिड्यूस हो जाता है सल्फर में सल्फर यहाँ पे बहुत ही लो मिल्की सा कलर मिलता है हमें क्योंकि यहाँ पे सल्फर की फॉर्मेशन हो रही होती है नेक्स्ट कह रहा है सोडियम डाइक्रोमेट इज प्रेफर्ड ओवर पोटाशियम डाइक्रोमेट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नहीं नहीं हमें किसको प्रेफरेंस देनी होती है पोटासियम डाइक्रोमेट को ही देते हैं नेक्स्ट कह रहा है के टू सी आर टू ओ सेवन एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज ये भी ठीक है एसिडिक मीडियम में हमारे पास क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज होता है और ऑरेंज कलर का ही रहता है तो ये सारी चीजें सही हैं। खाली सी स्टेटमेंट जो है दैट इज नॉट ट्रू कि हम सोडियम डाइक्रोमेट को पोटाशियम डाइक्रोमेट से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो गलत है तभी तो हम पोटाशियम डाइक्रोमेट बना रहे हैं क्योंकि इसकी जो एनालिसिस होती है वॉल्यूमेट्रिक वो ज्यादा बेटर होती है इसी के साथ लास्ट कंपाउंड कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट ठीक है प्रॉपर्टीज वगैरह लिखी हुई हैं सिर्फ रियक्शन फटाफट से कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल नहीं आ रखे हैं तो फटाफट फटाफट से इसको खत्म करेंगे सो सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड एज योर लूनर कॉस्टिक कॉमन नेम है इसका फॉर्मूला होता है AgNO3 जी प्रिपेयर कैसे कर रखा है सिल्वर मेटल को रिएक्ट कराया विद डायल्यूट नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट बन गया सिल्वर पे प्लस वन नाइट्रेट में माइनस वन एन ओ मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड और एच टू ओ मिल जाता है प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है कोई कलर नहीं होता क्रिस्टलाइन होता है पानी में सल्यूबल होता है सिल्वर नाइट्रेट सल्यूबल होता है बेटा सिल्वर क्लोराइड नहीं होता एजीसीएल प्रेसिपिटेट बनाता है बट सिल्वर नाइट्रेट पानी में सल्यूबल होता है एल्कोहल में भी सल्यूबल होता है मेल्टिंग पॉइंट 212 डिग्री सेल्सियस होता है अगर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये डीकम्पोज हो जाता है इनटू मटालिक सिल्वर ए बन जाता है अरे यार ये फिर से खुद चलने लग गया क्या मिल जाता है हमें मटालिक सिल्वर मिल जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं यानी थर्मली डीकम्पोज करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट से मिल जाता है बेटा आपको सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 और कौन सी गैस रिलीज हो जाती है O2। अब रिएक्शन की बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी AgNO3 भी एक सॉल्ट है NaCl भी सॉल्ट है दो तीन करूंगी समझ आता जाएगा खुद कंप्लीट करते चलना <coughs> एजीएनओ NaCl डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दो बेटा AgCl प्लस एनएनओ का मतलब है ये प्रेसिपिटेट होगा अरे यार थोड़ा सा टॉपिक बचा है लिख लेने दो यार क्या मतलब क्या चलो ए KBr डबल डिस्प्लेसमेंट करो आय एक्सचेंज करो तो यहां पर बनेगा ए जी बी आर प्लस के एनओ थ्री सिल्वर क्लोराइड बेटा वाइट प्रेसिपिटेट सफेद रंग का सिल्वर ब्रोमाइड होता है पेल येलो ऑफ वाइट कलर का वैसा प्रेसिपिटेट लिखने की जरूरत नहीं है अंडरस्टूड है डाउनवर्ड आर मतलब प्रेसिपिटेट इन सॉलिड बन रहा है जो सोल्यूबल नहीं हो रहा एजीएनओ थ्री प्लस एनएल डिसमेंट करो एजीआई सिल्वर आयोडाइड मिलेगा प्लस एनएनओ थ्री सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल हो जाता है येलो कलर का येलो प्रेसिपिटेट बनता है चलिए इन दोनों के प्रोडक्ट्स लिखने की कोशिश करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके बेटा <coughs> सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर आप कराएंगे दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फॉस्फेट दिस इज कॉल्ड एज सोडियम आर्सेनाइट। डबल डिस्प्लेसमेंट करना सिर्फ आयन्स एक्सचेंज कर दो सिल्वर को सोडियम की जगह सोडियम को सिल्वर की जगह <coughs> क्या बन जाएगा इधर एक्सचेंज करेंगे आप तो यहां आ जाएगा बेटा ए जी थ्री फोर कुछ नहीं है दोनों की वैलेंस ही वन होती है तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा यहां बन जाएगा एन ए एन ओ थ्री सिल्वर फॉस्फेट प्रेसिपिटेट यहां हो जाएगा ए जी थ्री ए एस ओ थ्री सोडियम आर्सेनाइट से सिल्वर आर्सेनाइट बन जाएगा और एन ए एन ओ थ्री डबल डिस्प्लेसमेंट समझ आता है ये इसकी जगह ये इसकी जगह आ जाएगा ये भी प्रेसिपिटेट दोनों के दोनों येलो सिल्वर फॉस्फेट भी और सिल्वर आर्सेनाइट भी कैसे कलर का प्रेसिपिटेट होता है बेटा येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है चलिए नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट यह दिस इज पोटाशियम क्रोमेट डबल डिस्प्लेसमेंट करो मैं पहले रिएक्शन लिख देती हूँ फिर प्रेसिपिटेट के कलर लो ए जी टू सी आर ओ फोर प्लस के एन ओ थ्री प्रेसिपिटेट तो ये आपका पोटेशियम क्रोमेट है अभी तो पढ़ा ही है आपने

सोडियम ऑक्सलेट है सी टू ओ फोर टू माइनस ऑक्सलेट था दिस इज सोडियम ऑक्जलेट एनए की जगह सिल्वर लगा दो बैलेंस ही दोनों की सेम है तो फॉर्मूला सेम ही आ रहा है और हो जाएगा एनएनओ थ्री दिस इज सोडियम बोरेट तो यहां पे बन जाएगा सिल्वर बोरेट ए जी थ्री बी ओ थ्री प्लस एन ए एन ओ थ्री अब प्रेसिपिटेट के कलर लिख लेते हैं रिएक्शन सब सिमिलर से है, सारे डबल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है बेटा रेड यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट होता है रेड सिल्वर सल्फाइड होता है ब्लैक बट मैं ब्लैक से लिखूंगी तो दिखेगा नहीं तो ये प्रेसिपिटेट होता है ब्लैक कलर का सिल्वर ऑक्सिलेट का प्रेसिपिटेट होता है वाइट कलर का सिल्वर बोरेट का प्रेसिपिटेट भी कैसा होता है वाइट कलर का आई so होप तक सारे रिएक्शन समझ आ गए होंगे नेक्स्ट <coughs> कर रहे हैं अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं बेटा एनएओएच के साथ एनएओएच के साथ बेस के साथ तो यहाँ पे हमें मिलता है ए जी टू ओ साथ में मिलता है एनएनओ थ्री और साथ में मिलता है एच टू ओ तो जो सिल्वर ऑक्साइड होती है ये इनसुल्यूबल होती है ब्राउन कलर देख तो नीरा बना लेते हैं थोड़ा ब्राइट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि दिख पा नहीं दिख रहा इस तरह से लिख लेते हैं ये फिर भी समझ जाओगे ब्राउन कलर का होता है चलिए नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पर AgNO3 जब के के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है द वाइट प्रेसिपिटेट और साथ में मिलता है के एन थ्री ये पानी में सल्यूबल होता है तो मैं एक्वस लिख सकती हूं कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है बेटा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है पर अगर मैं इस वाइट प्रेसिपिटेट को डिजोल्व कराना चाहती हूं तो यहां पर हम क्या करते हैं ये जो AgCN होता है इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को एक्सेस ऑफ KCN के साथ ट्रीट कराते हैं यानी पहले हमने सिल्वर नाइट्रेट के अंदर के डाला सिल्वर साइनाइट का एजीसीएन का वाइट प्रेसिपिटेट बना फिर हमने इसके अंदर और केसीएन डाला तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है ये के के साथ बेटा फर्दर रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है के एजीसीएन होल ट्वाइस और ये प्रेसिपिटेट क्या कर जाता है हमारा डिजॉल्व कर जाता है जो कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है although इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे मैं अभी के लिए आपको बस नाम लिख रही हूँ दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम के पे प्लस कॉम्प्लेक्स पे माइनस डाइसाइनो अर्जेंटेट वन ये नाम मैंने इतना बड़ा कैसे लिख दिया इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर समझाऊंगी क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें एनी विच वे नॉर्मन क्लेचर करना नो थैंक यू अभी प्लीज़ आज की क्लास में मुझे माफ़ करिएगा मेरी गलती वैसे है नहीं बट आई एम स्टिल अपोलोजाइजिंग कि बोर बोर्ड बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है तो पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है पिछली क्लास में तो नहीं हो रहा ना आई एम वेरी सैड नॉट लुकिंग सैड बट आई एम फीलिंग वेरी सैड चलो ए का अगर हम एच के साथ रिएक्शन कराते हैं HX बेटा कोई भी हैलोजन एसिड है HCl HBr HI सो so X यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन. तो कुछ सोचो अगर मैं AgNO3 का HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगी डबल डिस्प्लेसमेंट करो तो AgX का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और साथ में क्या मिलेगा आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड अब अगर X क्लोरीन था तो AgCl सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट अगर HBr था तो AgBr पेल येलो प्रेसिपिटेट अगर एच आई था तो एजीआई येलो प्रेसिपिटेट बनेगा लास्ट दो रिएक्शन है सो सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर एच जी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम और जिंक तो कहीं इधर की साइड होता है ठीक है सो so, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है नीचे आते हुए रिएक्टिविटी कम होती जाती है यानी कॉपर सिल्वर को हटा सकता है डिस्प्लेस कर सकता है जब डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट का ब्लू सोल्यूशन और सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाता है सॉलिड लिख देते हैं जो तो सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस सोल्यूशन होता है इसमें जैसे ही हम कॉपर डालते हैं कॉपर होता है रेडिश ब्राउन कलर का एलिमेंट तो धीरे धीरे सोल्यूशन कलरलेस से किस में टर्न होना स्टार्ट हो जाता है बेटा ब्लू कलर में और जो कॉपर होता है रेडिश ब्राउन उसके ऊपर मेटालिक सिल्वर की डिपॉजिट आ जाती है एकदम शाइनी ग्रे जैसा रेडिश ब्राउन एलिमेंट पे चमकना शुरू हो जाता है चलिए नेक्स्ट है जिंक भी सिल्वर से तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है डिस्प्लेस करेगा करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा जिंक नाइट्रेट बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा आपका सिल्वर बाकी बैलेंसिंग है वो कर लेना या चलो क्या कह रहे हो कर ही दो मैम ठीक है और इसी के साथ अब हम फाइनली आ गए हैं थैंक यू वाली स्लाइड पर सो थैंक यू सो मच गाइस है ना आज की क्लास में बोर्ड को इतनी बार हैंग होते हुए देखा तुमने सो so, आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं एंड विद दिस वी आर ओनली लेफ्ट विद वन मोर लेक्चर जिसमें हम अब एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे और उसी में ही खत्म भी कर देंगे एंथनाइज एंड एक्टनाइज सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन प्लीज कीप रिवाइजिंग योर नोट्स जितना भी करा दिए उतना रिवाइज करते रहो क्योंकि इसके बाद जब हम सारे पी वाई क्यूज डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने सारे कवर नहीं करे हैं तो जब पी वाई क्यूज डिस्कस कराऊंगी तो उसके लिए चैप्टर का रिविजन होना बहुत जरूरी है तो जो छुट्टियां आ रही हैं वो छुट्टियां तुम्हारे लिए नहीं हैं उन छुट्टियों में भी पढ़ना है तो प्लीज कीप रिवाइजिंग कीप स्टार्टिंग स्टे मोटिवेटेड गाइड्स एंड थैंक यू सो मच बाय टेक केयर